हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो हम पेपर देख रहे थे, आरजीपीवी का। ये पेपर है जून 2016 का। इसका हमने न्यूमेरिकल ये वाला देख लिया था, 2 का D। अब हम देखने जा रहे हैं इसका ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये भी सेकेंड यूनिट से न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, ये मैं न्यूमेरिकल ओपन कर देता हूँ। तो फॉलोइंग डाटा रिफर्स टू ए सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है, रेफ्रिजरेंट हमें दिया हुआ है R134A। ठीक है, और हमें कंडेंसेट का टेम्परेचर दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, और वेपोरेटर का टेम्परेचर दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कंप्रेसर का हमें जो RPM है वो दिया हुआ है। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है, स्वेप्ट वॉल्यूम दिया है, कंप्रेशन की एफिशिएंसी दी हुई है, और कंडेंसेट की सब कूलिंग दी हुई है। ठीक है, तो हमें ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये एक्चुअली इसमें हमारा सब कूलिंग और सुपर हीटिंग दोनों हो रही हैं। ठीक है, दोनों हो रही हैं इसमें हमारी, सब सब हीटिंग भी हो रही है और सुपर हीटिंग भी हो रही है और सब कूलिंग भी हो रही है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो ये है कि ये कैसा है, ये एक इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया गया है वो कौन सा है, 134A। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये रेफ्रिजरेंट चेंज हो सकते हैं, इसकी जगह पे R12 भी हो सकता है। ठीक है, अमोनिया भी हो सकता है, जैसे जिससे जो पहले आपने न्यूमेरिकल देखा था उसमें क्या था, उसमें अमोनिया को यूज़ किया गया था। ठीक है, तो हम अमोनिया भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अमोनिया भी यूज़ हो सकता है या कोई और रेफ्रिजरेंट भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी रेफ्रिजरेंट यूज़ किया गया हो उसी से संबंधित आप इसमें जो डाटा बुक है वो आप देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें टेम्परेचर्स नोट कर लेने हैं, 35 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो टेम्परेचर से इनके करस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे वैल्यू, H1 की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, H1 की वैल्यू देखेंगे, H2 की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, और इसकी एक टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो वैल्यूज हम कहाँ से देखेंगे, इसके लिए हम ओपन करते हैं हमारी डाटा बुक। ठीक है, इसके लिए हम हमारी डाटा बुक ओपन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये मेरी डाटा बुक है। ठीक है, आप कोई भी डाटा बुक ले सकते हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि वो डाटा बुक लें जिसमें इस तरह से डाटा आपको अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये वाली डाटा बुक है। ठीक है, आप चाहो तो इसको, आप चाहे तो इसको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो आपको इसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, तो आप इसको फोटोस्टेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेफ्रिजरेंट जो यूज़ किया गया है 134A। ठीक है, ये वो रेफ्रिजरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, कौन कौन से टेम्परेचर पे देखनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये -100 है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से है, -100 से स्टार्ट हो रही है, हमें कहाँ पे देखनी है, -10 पे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, ये -10 पे। ठीक है, तो -10 पे आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, -10 पे इसकी हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए हैं। ठीक है, एंथैल्पी की प्रॉपर्टीज चाहिए, ये जो जो कि इस लाइन के अलॉन्ग आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमें वेपर की प्रॉपर्टीज चाहिए हैं, उसके बाद हमें एंट्रोपी की प्रॉपर्टी चाहिए हैं, और हमें स्पेसिफिक हीट चाहिए। तो इतना डाटा हमें चाहिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये डाटा नोट कर सकते हैं, जैसे HF कितना है 186, HG कितना है 392, और एंट्रोपी कितनी है 0.95, एंट्रोपी वेपर की कितनी है 1.73, और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कितनी है 1.31, और वेपर की कितनी है 0.854। ठीक है, ये -10 का हो गया। अब हम चलते हैं 35 डिग्री सेल्सियस पर। ये डाटा किसका है, 35 डिग्री सेल्सियस का। तो आप 35 डिग्री सेल्सियस पे देख सकते हैं एंथैल्पी कितनी है 250, 417, 1.17 एंट्रोपी है, और 1.71 इसकी एंट्रोपी है वेपर की, और जो इसकी स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है 1.47 और 1.11। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, शायद आपको वॉल्यूम के डाटा की भी जरूरत पड़े, तो आप अगर वॉल्यूम के डाटा की जरूरत पड़े तो आप वॉल्यूम भी यहाँ से देख सकते हैं, वॉल्यूम कितना है 0.099। ठीक है, तो इतना सब डाटा नोट करने के बाद हमारा न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको जब भी न्यूमेरिकल दिया हो, जिस भी टेम्परेचर के अलोंग दिया हो, उसके अलोंग आप ये सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज नोट कर ली हैं, मैंने आपको बता भी दिया है कैसे नोट करना है। तो अब हम उन प्रॉपर्टीज को इसके ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज एग्जाम में दी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपका ये वाला काम बच जाएगा, वरना आपको प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस, और एक पॉइंट लिख लीजिएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक लिख लीजिएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब -10 के करस्पॉन्डिंग आपको कौन कौन सी वैल्यूज लिखनी है,
ठीक है, माइनस वन के करस्पॉन्डिंग, माइनस टेन के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी वैल्यूज लिखनी है हमें? हमें लिखनी है एच एस, ठीक है, एच जी, ठीक है, एस एस, एस जी, ठीक है, और सी पी लिक्विड और सी पी गैस, ठीक है, हमें ये वैल्यूज यहाँ पे चाहिए होंगी। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। तो एच एफ कितना है? 186, ठीक है, एच जी कितना है? 392, एस एफ कितना है? 0.95, एस जी कितना है? 1.7, एस जी कितना है? 1.73, ठीक है, सी पी लिक्विड का कितना है? 1.316, और सी पी गैस का कितना है? 0.85, 0.85, ठीक है। उसके बाद 35 डिग्री सेल्सियस पे हम देख लेते हैं, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस पे एच एफ कितना है? 248, एच जी कितना है? 417, ठीक है, 417, एस एफ कितना है? एस एफ है 1.17, और एस जी कितना है? 1.71, ठीक है। उसके बाद हम सी पी की वैल्यू देख लेते हैं, सी पी की वैल्यू कितनी है? सी पी की वैल्यू है 1.476, ठीक है, सी पी की वैल्यू कितनी है? 1.47, ठीक है, और सी पी वेपर की वैल्यू कितनी है? 1.111, ठीक है, 1.11, ठीक है। ये डाटा लिखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप निकालना है हमें टनेज की कैपेसिटी, ठीक है। तो जो टनेज की कैपेसिटी होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, टनेज की जो कैपेसिटी होगी वो निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा। अब ये जो साइकिल बनेगी इसकी टीएस डायग्राम की, वो किस तरह से बनेगी? वो बनेगी इस तरह से, ठीक है, ठीक है, वो साइकिल बनेगी इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, इसका ये साइकिल का क्या है? पीएच डायग्राम है, और नीचे वाला क्या है? टीएस डायग्राम है। तो जो इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक है, जो इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा वो आ जाएगा H1 - H4-, ठीक है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? H1 - H4-, या फिर H4- किसके बराबर होगा? H3- के, क्योंकि कैसी प्रोसेस है ये? आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है, तो हमें H3 तो पता है, हमें H3- जो है वो निकालना पड़ेगा। अब H3- हम कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। H3- हम कैसे निकालेंगे? H3- निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एक रिलेशनशिप, ठीक है, जो होता है हमारा H3- जो होता है वो होता है H3 - Cp T3 - T3-, ठीक है, या फिर जितनी भी अंडर कूलिंग की गई हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कितनी सब कूलिंग करी गई है? 5 डिग्री सेल्सियस की सब कूलिंग करी गई है, ठीक है। तो H3 हमें कहाँ से मिल जाएगा? H3 हमें मिलेगा 35 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड की एंथैल्पी है, कितनी दी हुई है? 248। तो H3 हमारा कितना हो जाएगा? 248, ठीक है। और यहाँ पे जो CP देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? लिक्विड वाला, और CP लिक्विड कितना दिया हुआ है हमें? 1.47, तो -1.47, और T3 - T3- का डिफरेंस कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें हमारा H3- मिल जाएगा। तो H3- हमारा कितना आ जाएगा? H3- आएगा हमारा 240, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ 240.6, ठीक है, 240.6 किलो जूल पर kg। तो ये हमारा H3- आ जाएगा, ठीक है। अब H3- पता चल गया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा? मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय H1 - H3-, ठीक है। अब H1 तो हमें पता है, H1 कितना हो जाएगा? जो -10 पे HG है, ये कितना है? 392। तो हमें ये पता चल गया, H3- पता चल गया, लेकिन अभी भी हमें क्या नहीं पता है? M- नहीं पता है, ठीक है, बिना M- के हम क्या है इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो M- निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसने हमें क्या डाटा दे रखा है? उसने हमें स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है, स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने के लिए उसने हमें C की वैल्यू
दे रखी है, ठीक है, और एक्सपेंशन का इंडेक्स भी दे रखा है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या करना होगा, हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1 + C − C P2 / P1 raised to the power 1/n, ठीक है। n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.12, c की वैल्यू 0.03। अब आप सोचोगे ये P2 और P1 कैसे आएंगे, ये जो 35 डिग्री सेल्सियस है इसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रेशर भी होगा, ठीक है, वो कितना होगा P2, और ये जो -10 है इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ प्रेशर होगा, वो कितना होगा P1, ठीक है। अब इनकी वैल्यू देखने के लिए हम दोबारा से हमारी डाटा बुक में चलते हैं, ठीक है, डाटा बुक ओपन कर लेते हैं। डाटा बुक अगर आप ओपन करोगे तो आप देखोगे -10 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये आपको दिख रहा होगा 0.2, लेकिन ये किस में दिया हुआ है, मेगा पास्कल में, ठीक है। आप चाहो तो इसको बार में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2 bar, ठीक है। ऐसे ही हम 35 पे भी देख लेते हैं। अब 35 पे क्या है, हमें एक्चुअली प्रॉपर्टीज जो है हमें 36 पे दी हुई है और हमें चाहिए 35 पे, तो 35 इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, तो हम 35 पे वैल्यू मान लेते हैं 8.8 bar, ठीक है, तो प्रेशर हो जाएगा 8.8 bar, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो P2 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी जो P2 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी, इसको मैं, ठीक है, तो जो P2 हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 8.82, ठीक है, और P1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 bar, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, सारा डाटा इसमें रख देंगे और फिर इसको सॉल्व करके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + C कितना दिया हुआ है 0.03 - 0.03, ठीक है। P2 कितना दिया हुआ है हमें 8.82 और P1 कितना दिया हुआ है हमें 2, ठीक है, और पावर कितनी दी हुई है 1/n, n कितना है हमारा 1.12, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा और आपको आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी कितनी आएगी, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, करके देखिएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आ रही है, रुकिए मैं करके देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगी 0.91, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपकी आ जाएगी 0.91। अब एक बार आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पता चल गई तो उसके बाद क्या करेंगे, एक बार वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी तो उसके बाद हम इसमें निकालेंगे जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई थी 0.91, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, ये होती है एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, और एक्चुअल वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 269.4, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये हो जाएगा (10⁻⁶), ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आई है 0.91, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, यहाँ पे हमें आरपीएम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2800 rpm, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2800 का भी, ठीक है, 2800 डिवाइड बाय 60, ठीक है। अगर आपको जो वैल्यू चाहिए किस में चाहिए, सेकेंड में चाहिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4316 cm³/s, ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में चाहिए तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 4316 cm³/s, ठीक है। मैं इसमें एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ ताकि
और अच्छे से ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल ली थी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई थी, 0.91। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आ गई थी, 0.91। ठीक है, और हमारा एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ गया था, एक्चुअल वॉल्यूम हमारा आ गया था 4316। ठीक है, 4316 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्चुअल वॉल्यूम आ गया तो हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं। मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आप देख सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वो कितना है, वो है 0.0995। ठीक है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम जो -10 के करस्पॉन्डिंग। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका मास, बेसिकली किस में मिल जाएगा, ये आपको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 4.3। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 4.3372.5। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इनटू 10^-6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेक, देयर इज सम मिस्टेक, व्हाट इज द मिस्टेक, 0.099 एंड इट कम्स आउट टू बी। ठीक है, wait, let me check, there is some mistake. ठीक है, ये इतना आ जाएगा इंटू 60 बाई 60 डिवाइड बाय 60। ओके, लेट मी डू इट अगेन। ओके माय फ्रेंड्स, सो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो आई थी वो कितनी आई थी, 0. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आई थी हमारी 0.917। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है, ये होती है एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.917 मल्टीप्लाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 269। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 269.4 इंटू 10^-6 इंटू जो RPM कितने दिए हुए हैं हमें, 2800/60। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा एक्चुअल वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा 0.01152 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हो -10 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग ये दिया हुआ है 0.0, ये दिया हुआ है हमें 0.09951। ठीक है, 0.09951 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो जो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. ये जो हो जाएगा दिस डिवाइड बाय 0.09951, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.1158 केजी पर सेकेंड। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 6.95 केजी पर मिनट। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, प्रीवियस में शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी उसको सॉल्व करते वक्त,
ठीक है, तो हमारा H3 डैश हमें निकाल चुके थे हम 240। अब हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है हमारा निकाल सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा हमारा M डैश कितना आया था 6.95, ठीक है 6.95, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय H1 हमारा कितना आया है, H1 हमारा दिया हुआ है 392, 392 माइनस जो H3 है हमारा वो है 240.6, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1056, ठीक है, ये आ जाएगा 1056 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, अगर आपको टनेज में चाहिए तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 210 से, तो ये आ जाएगा 5.0 TR। ठीक है, तो टनेज कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टन्स मतलब कितने टन, ये हो जाएगा आपका 5 टन। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे हमें पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पावर बेसिकली क्या होती है, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H1। ठीक है, तो H1 तो हमें पता है लेकिन H2 हमें नहीं पता है, तो H2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब पावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H1। ठीक है, अब हमें H2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप इसको डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो H2 जो है, ये जो H2 है, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये है, ये H2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोलेशन यूज करना पड़ेगा, H2 डैश प्लस CP T2 माइनस T2 डैश। ठीक है, तो H2 डैश निकालने के लिए हमें कौन सा रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, H2 निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा H2 डैश प्लस CP T2 माइनस T2 डैश। ठीक है, अब T2 हमें नहीं, लेकिन हमें T2 नहीं पता है, T2 निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, S2 इज इक्वल टू S2 डैश प्लस CP ln T2 अपॉन T1। ठीक है, अब S2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, S2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा, आप पीछे से देख सकते हो जो डाटा पे हमने लिख रखा है, S2 बेसिकली क्या है हमारा, S1 के बराबर है, और S1 कितना है हमारा, S1 है हमारा 0.8, S1 हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, सॉरी S1 है हमारा ये 1.73। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा S2 कितना हो जाएगा, 1.73 इज इक्वल टू S2 डैश हो जाएगा 1.712 प्लस CP कितना हो जाएगा, CP हमें देखना पड़ेगा जो 0.2 है, ठीक है, ये P2 पे CP लिक्विड गैस का हमें देखना पड़ेगा कितना है, 1.11। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ दिख जाए। ठीक है, ये है, ये CP क्या है, CP ऑफ गैस। ठीक है, ये क्या है, SG, ये क्या है, ये बेसिकली आपका है ये है आपका S1। ठीक है, ये S1 है, ठीक है, S1 डैश, और ये किसके बराबर है, S2 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CP कितना है, 1.11, ln T2 हमें निकालना है और T1 हमें पता है, T1 कितना है, माइनस सॉरी 35 प्लस 273, 35 प्लस 273। ठीक है, सॉरी ये T2 डैश है, ठीक है, T2 by T2 डैश। ठीक है, 35 प्लस 273, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 1.11 है, ये 1.11 है। ठीक है, तो हम यहाँ से T2 निकाल लेंगे, T2 हमारा कितना आ जाएगा, T2 हमारा आ जाएगा 313 केल्विन। ठीक है, अब एक बार हमें T2 पता चल गया तो हम यहाँ से H2 निकाल सकते हैं, तो H2 कितना हो जाएगा, H2 डैश हमें कितना दिया हुआ है, H2 डैश हमें दिया हुआ है, आप फिर से हम पीछे चलते हैं, H2 डैश देख लेते हैं, H2 डैश हमें है 417। ठीक है, H2 डैश हमें दिया हुआ है 417 प्लस CP कितना है, 1.11। ठीक है, और T2 हमने कितना निकाला है, 313, और T2 डैश हमारा कितना है, 35 प्लस 273, 35 प्लस 273, तो ये 308। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, H2, तो H2 हमारा कितना आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारा 422.5, ठीक है, किलो जूल पर केजी, ठीक है, H2। लेकिन क्या ये H2 यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं? नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि उसने हमें क्या दिया हुआ है, कंप्रेशन की एफिशिएंसी भी दे रखी है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू H2 - H1 / H2 " -H1, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये डबल डैश पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, देखो ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, यहाँ कहीं पे इसको, क्योंकि ये कंप्रेशन की एफिशिएंसी दे रखी है, तो ये पॉइंट हो जाएगा H2 " ठीक है। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो H2 " हमें निकालना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, H2 " -H1 इज इक्वल टू, H2 कितना दिया हुआ है, 422, H1 हमने कितना लिया हुआ है, ठीक है, H1 हमारा कितना है, H1 है हमारा 392, ठीक है। तो ये हो जाएगा 392 / 0.8, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा दिस माइनस 392 / 0.8 +392, ठीक है। तो ये आ जाएगा 430, H2 " हमारा आ जाएगा 430 kJ/kg, ठीक है। तो अब हम पावर निकाल सकते हैं, तो पावर हमारी कितनी हो जाएगी, m डॉट हमारा कितना है, 6.95, ठीक है, m डॉट है हमारा 6.95, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 430 माइनस H1 कितना है हमारा, 392, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6.95 * 430 -392, ठीक है। तो ये लेकिन किसमें आएगा हमारा, वॉट में आएगा कि उसमें आएगा, किलो जूल पर मिनट में, ये आएगा किलो जूल पर मिनट में, ठीक है, किलो जूल पर मिनट में। अगर आपको वॉट में चाहिए तो आप इसको 60 से और डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4.42 kW, ठीक है। तो इसका पावर सप्लाइड कितनी आ जाएगी, पावर सप्लाइड आ जाएगी 4.42 kW, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसमें देख लेते हैं, सीओपी। सीओपी निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो रेफ्रिजरेशन अफेक्ट है उसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा पावर कितनी आई थी, 4.42, ठीक है। सो सीओपी कितना हो जाएगा, सीओपी हो जाएगा रेफ्रिजरेशन अफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन अफेक्ट हमारा कितना आया था, यहाँ से हम देख लेते हैं, 1056 आया था, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 1056 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 4.42, ठीक है। यहाँ पे 60 से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये किस में आया था, ये आया था हमारा किलो जूल पर मिनट में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.42 से डिवाइड कर देंगे तो सीओपी कितना आ जाएगा, 3.98, ठीक है। तो सीओपी हमारा कितना आ जाएगा, 3.98, ठीक है। समझ में आया यहां तक, आगे देख लें इसमें, ठीक है। सीओपी हमारा कितना आ जाएगा, 3.98, ठीक है। पावर कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी इसकी, जस्ट लेट मी चेक कि एवरीथिंग ठीक, सब कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। यस एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, ठीक है। तो हम इसके बाद देख लेते हैं हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर। तो हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर कितनी हो जाएगी, हीट रिएक्टेड इन कंडेंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेशन अफेक्ट प्लस वर्क डन, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन अफेक्ट हमारा कितना आया था, ये आया था 1056 / 60 +4.42। तो हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर कितनी हो जाएगी, दिस डिवाइड बाय 60 +4.42, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22.02 kW, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरे को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। याद रखिएगा इसमें कंप्रेशन की एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है, और उसका हमें यूज करना है।
अगर आप उसका यूज नहीं करोगे तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, तब आपका जो वर्क डन आएगा वो सिंपली H2 - H1 हो जाएगा, ठीक है, MR, ठीक है। और आपका MR कितना है यहाँ पे 6.95, और H2 कितना दिया हुआ है, H2 हमें दिया हुआ है, H2 जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, H2 की वैल्यू आई थी हमारी 423, ठीक है। तो ये आई थी 423 - 392, ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्रेशन की एफिशिएंसी दी हुई है इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तब आपका ये कितना आ जाएगा 215.45, ठीक है, किलो जूल पर मिनट। और उस केस में आपका COP कितना आ जाएगा, उस केस में आपका COP आ जाएगा 4.9, ठीक है। अगर आप उस तरह से COP करोगे तो COP कितना आ जाएगा, COP आ जाएगा 1056 डिवाइड बाय 215.45, ठीक है। तो ये COP कितना आ जाएगा, 4.9, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब कंप्रेशन जो है वो आइसेंट्रोपिक नहीं है, ठीक है, इसे इसे हमें एक बात भी समझ में आती है। देखो ये वाला कब है COP, COP व्हेन कंप्रेशन इज, व्हेन कंप्रेशन इज नॉट आइसेंट्रोपिक, ठीक है, व्हेन कंप्रेशन इज नॉट आइसेंट्रोपिक, तो हमारा COP क्या है, कम हो गया है। और ये वाला कब है, व्हेन कंप्रेशन इज आइसेंट्रोपिक, ठीक है, व्हेन कंप्रेशन इज आइसेंट्रोपिक, तो हमारा COP क्या है, COP ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक है तो उसका फर्क COP के ऊपर पड़ता है। COP बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से परफॉर्मेंस होती है सिस्टम की, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। ये पेपर था जून 2016 का, ठीक है, थैंक यू।